गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्याएं। दिव्यांगजन को त्वरित आधार पर ट्राईसाइकिल व प्रमाण पत्र देने के दिए निर्देश। कहा, दिव्यांगजन को समाज व विकास की मुख्य धारा में लाना है हमारी प्रतिबद्धता। हर समस्या के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण समाधान को सरकार है कटिबद्ध। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रकाश मिश्रा व वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा के घर पहुंचे सीएम योगी। शंकर दयाल ओझा व ओम प्रकाश मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 1000 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं को दिलाई गई मतदाता जागरूकता की शपथ। 18 वर्ष के नए मतदाता को वितरित किया गया वोटर आईडी कार्ड। यूपी स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने विविध प्रतियोगिताओं का किया आयोजन। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, बचपन से ही शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास करता है एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया समर्थन। एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री संजय राज सिंह ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राप्ती नदी के तट पर शिल्प कलाकारों ने रेत से उकेरा भारत माता, चंद्रशेखर आजाद व अमर सपूतों की प्रतिमा। गोरक्ष प्रांत के प्रांत महामंत्री मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, हम सभी को करना चाहिए अपने राष्ट्र से प्रेम। जब तक नहीं होगा राष्ट्र प्रथम, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन समिति ने निकाली तिरंगा यात्रा। महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, अमर शहीदों को याद कर अपने नौजवानों में उनके आदर्श मूल्यों को स्थापित करने का कर रहे हैं प्रयास। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों के तहत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने कहा, गुरुवार को साइकिल दौड़ व क्रिकेट प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। सभी विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। पठान फिल्म के रिलीज के अवसर पर सिनेमा हॉलों पर फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी संख्या में उमड़ी भीड़। फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों ने कहा, फिल्म में नहीं कहीं दिखाया गया है कोई गलत सीन, जरूर एक बार देखें फिल्म पठान। और जनपद में कुछ दिन पहले हुई बारिश से बुधवार की सुबह सड़कों पर बना रहा कोहरा। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं पर हो सकती है छिटपुट वर्षा। सड़कों पर सुबह के समय रहेगा कोहरा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिव्यांगजन को सहानुभूति नहीं बल्कि प्रोत्साहन एवं सहयोग की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजन को सशक्त बनाकर समाज व विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रशासन व विभागीय अधिकारी उन्हें जीवन उपयोगी आवश्यक उपकरण, संसाधन तथा प्रमाण पत्रों की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराएं। सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात कर रहे थे। मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान उन्होंने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, संतुष्टिपरक और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाएगा। जनता दर्शन में कुछ दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल की आवश्यकता बताने तथा कुछ मानसिक दिव्यांग अपने परिजन के साथ प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध लेकर आए थे। उनकी समस्या सुनते ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि जिन्हें भी ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल की जरूरत है, उन्हें त्वरित आधार पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने यह हिदायत जारी की कि मानसिक दिव्यांगजन को प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे।
सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसे सबक सिखाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उनकी मदद की जाए। जनता दर्शन में कुछ लोगों के साथ उनके बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दुलारा आशीर्वाद दिया और चॉकलेट गिफ्ट करते हुए खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। समाज के हर वर्ग के दुख दर्द से सरोकार रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक वरिष्ठ पत्रकार एवं एक वरिष्ठ अधिवक्ता के घर जाकर उनके दिवंगत परिजन को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत की आत्मा को प्रभु चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त घर वालों को ढांढस बताया। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग बेतिहाता स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रकाश मिश्रा के आवास पहुंचे। श्री मिश्रा के अग्रज ओम प्रकाश मिश्रा का शुक्रवार को निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात कर दुख की घड़ी में साथ देने का सांत्वना दिया। इसके बाद सीएम योगी तारामंडल सिद्धार्थ इनक्लेव स्थित वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा के आवास पर गए। श्री ओझा के पिता श्री शंकर दयाल ओझा का 20 जनवरी को निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम योगी ने राजीव ओझा समेत सभी परिवारजन से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना और सांत्वना देते हुए कहा कि हार्दिक पीड़ा की इस घड़ी में वह उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार से स्मृति शेष शंकर दयाल ओझा के चले इलाज की भी जानकारी ली। जो पीए सिस्टम लगा था आपके वहाँ किसका लगा था? महाराज जी, महाराज जी, नहीं।
आप गाड़ी में बैठिए, बैठ जाइए, देर हो जाएगी थोड़ा। सेक्रेटरी है क्या? अंदर दुबे सेक्रेटरी है। कोई बात क्या, पारिवारिक समस्या थी, एक गमी हो गई थी, उसी में महाराज पुषारों में आए थे और उन्होंने सबको ढाड़स बनाया, बताया कि भाई आज संयम से काम लीजिए, ये तो प्रकृति का वो है, जो पैदा हुआ उसको मरना है, यही सब कहे और सबको सांत्वना दिए जीवन बिताने के लिए। बच्चों से भी मुलाकात की है महाराज जी ने? आपके घर के बच्चों से भी मुलाकात? हाँ, बच्चों से मिले, पूरे परिवार के साथ बात किए, सबको साथ फोटो खिंचवाए और सबको सुख शांति से रहने के लिए आशीर्वाद दिए। जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के ग्राउंड पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने जनपद के हजारों स्कूली छात्रों और छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई और 18 वर्ष के नए मतदाता को वोटर आईडी वितरित किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अच्छा काम करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष के नए युवा अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवा लें, वह वोटर हेल्पलाइन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वोट देने जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे ग्रेजुएट लोग हैं जो कि एमएलसी चुनाव के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जबकि यह शिक्षित लोगों का चुनाव है, इसलिए 18 वर्ष के नए युवा अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवा लें। इस अवसर पर एसडीएम सदर नेहा बंधु, तहसीलदार सदर विकास सिंह, लेखपाल गिरीश चंद सहित अन्य छात्रों और छात्राएं उपस्थित रहे। क्या हो रहा है भाई, जरा कोई करेगा? अरे हम लोग यहाँ पे नुक्कड़ नाटक की सहायता से मतदान जागरूकता अभियान को नुक्कड़ नाटक की सहायता से भाई सुनो, यहाँ पे हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करेंगे और आप लोग को जागरूक करेंगे, तो आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक। अरे भैया आ गए, मुन्ना भैया नेताजी आ गए, आप लोग के हमार नमस्कार। ए भैया जयकारा लगावा, जयकारा। हमारा प्रत्याशी कैसा हो? मुन्ना भैया जैसा हो। भैया लोग, बहनी लोग, सर जी, चाचा चाची लोग, हमार राहुल नमस्कार बा, नमस्कार। हम राहुल प्रत्याशी बानी, प्रत्याशी। आप सभी लोग हमके ही वोट देव, हमके ही। चाचा आपके खातिर जितला पे पौवा फ्री मिली, फ्री। चाची लोग, अरे रुकी रुकी, अरे रुकी, अरे रे 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 रे। चाची लोग आपके खातिर मेकअप के सामान सुंदर फ्री में। तो बोला आपकी बार केकर सरकार। ओ कहां बालू? अरे हो बताई का मत बा। मुन्ना भैया सुन लो, आओ क्या बोलत रहा। हां सुन ले है। डाले मुंबई ओ बुजुर्ग लोग, खड़े हो जाओ।
क्या करना है, कौन हमारे लिए कोई वोट दोगी तभी तो कोई सरकार बनेगी, तभी तो काम करेगा। भैया किसको वोट दे तुम बताओ जरा, एक है रे मुन्ना भैया जो कि लोगों खंभा, और उनका दूसरा काम है लड़कियों को, तुम जैसी लड़कियों को ब्यूटी पार्लर में फ्री का सामान दिलवाना। अच्छा व्यवस्था अच्छी ताकि कॉलेज जाने में लेट ना हो, तो हमारे हिसाब से तो कोई है ही नहीं योगदान। अरे फिर भी तुम्हें वोट तो देना जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, सही कहती हो, मगर तुम वोट देने जरूर जाना। मेरे वोट देने का क्या फायदा? अरे सुनो, अगर तुम वोट देने जाओगी वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, अगर तुम्हें कोई योग्य नहीं मिलता है प्रत्याशी तो तुम नोटा दबा सकती हो। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ नोटा भी होता है, और ये खास बात ये है कि उसका मतदान गिना भी जाता है कि तुमने वोट दिया है। सही बात है, अब तो हम नोटा ही दबाएंगे। और जैसा आपके लिए कम्फर्टेबल हो, आप चाहें तो शपथ की मुद्रा में हो सकते हैं। हम शपथ अपना दाहिना हाथ आगे कर लें, सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर लें सभी। हम भारत के नागरिक, भारत की नागरिक लोग पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का दान में ये प्रथम बार अपना मतदान करेंगे। इस हेतु तालियों के साथ इनके नए भारत के स्वर्णिम विकास के लिए ये बढ़ने वाले आलम जी, कहे कृपया आप सभी पंक्तिबद्ध हो जाएं। पार्टी के पश्चात मिस्टर वजीबुल्ला खान जी, सिंह जी, पूनम गुप्ता जी सर हमारे बीच में आज शाहजहां बानो मैम, रीना सिंह जी, सपना जी, सिंधु देवी जी, विजय लक्ष्मी जी, और जो हमारे सुपरवाइजर हैं जायसवाल जी, ऋषिकेश जी, जय सागर सिंह जी, शर्मा जी, चंद्रमणि चौरसिया, नेहा पांडे जी, श्री संजीव कुमार पांडे जी। यूपी स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में साहबगंज स्थित कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्विंटन मॉडल मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग ने आयोजन के दौरान स्कूली बच्चों को जागरूक किया। सीएमओ ने मतदाता दिवस के अवसर पर मतदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर पोस्टर, दौड़, नृत्य और विविध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन बच्चों द्वारा किया गया एवं विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ ने ब्राजील की बैडमिंटन की गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य यादव और उनके कोच पिता विजय यादव को सम्मानित किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि बचपन से ही शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करता है। यह आदतें भविष्य में गैर संचारी रोगों से बचाव करती है। इस दौर में बीपी, शुगर और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल जैसे गैर संचारी रोगों का मर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर बचपन से ही सही खान पान और व्यायाम का अभ्यास कराया जाए तो इन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। मानसिक रोगों से बचाव के लिए बचपन से ही वाद विवाद,
पोस्टर और निबंध जैसी प्रतियोगिताओं में बच्चों की प्रतिभागिता अहम है। उन्होंने बच्चों को बताया कि कुछ भी खाने से पहले, शौच से आने के बाद या कुछ भी छूने के बाद की स्वच्छता कई प्रकार के बीमारियों से बचाती है। ठेले खोमचे पर बिकने वाली चीजें नहीं खानी है, घर में बने पौष्टिक आहार का ही सेवन करें। इस अवसर पर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नंद कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अश्वनी चौरसिया, डीएमओ अंगद सिंह, DHEIO KN बर्नवाल तथा बसंतपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सबको वो लोग दोहराएंगे, छोटे बच्चों से है अनुरोध कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर के इसको सुनेंगे तथा भविष्य में जब ये हमारे दुनिया भारत, जो भारत अपनी एक नई कहानी लिख रहा है, आज आत्मनिर्भर भारत है, आज सर्वश्रेष्ठ भारत है, आज हमारी गाथा जो है पूरा विश्व गा रहा है, उस भारत के निर्माता बच्चों तुम हो, इसलिए तुम इन सब में भागीदार बनो और भारत को शीर्ष पर ले जाओ। इसी के साथ मैं इस शपथ को पढ़ूंगा, हम भारत के नागरिक की पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं, हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रस्तावित हुए निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बच्चों की प्रेरणा बनो, इनके पिताजी भी साथ में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप इनके कोच भी हैं, आप ही के द्वारा ये निर्मित की गई है, इस स्तर तक आई है, बहुत बहुत आपका मुबारक। उत्तर प्रदेश सरकार से निर्णय प्राप्त हुआ था कि 24, 25, 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस और संविधान दिवस, मतदाता दिवस और स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे और एक उत्सव मनाया जाएगा। 24, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 24 तारीख को हमारा यूपी दिवस मनाया जाता है, आज मतदाता दिवस है और कल जो है हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस विद्यालय को चुना है, जहां पर जो प्राइमरी पाठशाला है, जूनियर हाई स्कूल है, यहां पर बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देने, बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं स्वास्थ्य का दूत बनाने के लिए हम लोगों ने इस विद्यालय का चयन किया। यहाँ पर पोषित आहार का वितरण किया गया है, यहाँ बच्चों को खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता को दिया गया है तथा बच्चों को स्वच्छता से स्वस्थता की तरफ ले जाने का संदेश दिया गया है। बच्चों को प्रेरित किया गया है कि वही आने वाले आधुनिक भारत के निर्माता हैं और हमारी गतिविधियों में वो शरीक हों और हमारे संविधान को समझें, हमारे देश के राजनेताओं की गतिविधियों का बिल्कुल कहते हैं कि मूल्यांकन करें और आगे चल करके ये अपनी विभिन्न विधाओं में जिधर उनका इंटरेस्ट है। अभी आपने स्वयं देखा यहाँ पर डांस की प्रतियोगिता बच्चों ने रखी थी, बहुत सुंदर डांस था, बुक रेस रखी थी, बच्चों ने बैलेंस कमाल का दिखाया,
इसके अलावा हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता थी, पोस्टर प्रतियोगिता थी, सब में बच्चों का सराहनीय था और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चल करके प्रदेश ही नहीं देश और विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। और हम अब ये कह सकते हैं बच्चों की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और सरकार ने जो कुछ दिया है इसे निश्चित रूप से हम लोग एक आधुनिक भारत के निर्माण करने को सपने को साकार कर सकते हैं। शपथ भी दिलाया गया बच्चों को आज मतदाता दिवस के, बच्चों को जागरूक किया गया मतदान के प्रति, वो अपने माता पिता को प्रेरित करेंगे और यहाँ जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग थे उनको मतदाता दिवस की शपथ दिलाएंगे। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता कर समर्थन दिया, जिसके संबंध में प्रदेश के संगठन मंत्री संजय राज सिंह ने बताया कि हमारा संगठन एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव में समर्थन दे रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा भारी मतों से विजयी बनाया जाए और विधान परिषद में भेजा जाए। उन्होंने बताया कि हमारे संघर्षों की लड़ाई स्नातक युवाओं को प्रतिभा के आधार पर चयनित कराकर उनकी योग्यता को उपयोग करना, शिक्षकों के मानदेय का मामला, शिक्षकों के वेतन विसंगति हो या बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन की बहाली जैसे तमाम जन कल्याणकारी समस्याओं के समाधान के लिए वह प्रदेश सरकार से मांग करते आ रहे हैं। भारतीय राजनीति में समाज के प्रति समर्पित ईमानदार जुझारू कर्मठ एवं संघर्षशील प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विधान परिषद भेजकर हम सब एक बार फिर से युवाओं की उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेंगे। हम सभी स्नातक साथी शिक्षक अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि हम सब मिलकर देवेंद्र प्रताप सिंह को आगामी 30 जनवरी को उनके नाम के सामने एक लिखकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लेते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के संगठन मंत्री संजय राज सिंह ने कहा, हम संजय राज सिंह संगठन मंत्री विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और पूर्व जिला अध्यक्ष संकबीर नगर। आज जो प्रेस वार्ता हम लोगों के संगठन के मुख्य संरक्षक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उन्होंने स्नातक बेरोजगार से बेरोजगारों का जो भी मामला है उसको योग्यता के आधार पर शुचितापूर्ण कराने का जो कार्य किए हैं उन्होंने, उसके संदर्भ में हम समर्थन आपको कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में जो शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या को लेकर वह सभी निखर रहे हैं, इस बिल को जो है हम समर्थन कर रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों के मानदेय का मामला जो है कई बार माननीय एमएलसी जी जो विधान परिषद में उठा चुके हैं, इस संदर्भ में लेकर जो है हम आपको समर्थन कर रहे हैं। और वेतन विसंगति जो है उसको लेकर उन्होंने सरकार से सवाल जवाब किया और हमारे हक की बात उन्होंने उच्च सदन में पहुंचाने का काम किया है, इस मुद्दे को लेकर हम समर्थन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो क्षेत्र होता है उसमें हमें खुद देने का अधिकार सुनिश्चित कराया जाए, माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आपके द्वारा हम लोग जो है चुनाव आयोग से सिफारिश करते हैं कि शिक्षकों को भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बेसिक शिक्षकों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। इन सब तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर और ऐसे प्रखरवादी नेता जो अस्पष्टता कर्मक और निष्पक्षता के साथ प्रत्येक समाज के प्रत्येक लोगों के साथ, चाहे वह स्नातक बेरोजगार हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उसकी बातों को वह शासन स्तर से बहुत सुचारू रूप से पहुंचाने का काम करते हैं और उस पक्ष में हम लोगों के पक्ष में आप कार्रवाई सरकार से जो भी मांगे हम लोग रहते हैं उसके पक्ष में समर्थन करवाने का काम करते हैं। इन सब बिंदुओं को लेकर हम लोग माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी को समर्थन कर रहे हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि आगामी 30 तारीख को उनके जिनका जहां नाम है जिस बूथ पे वह अपने बूथ पे जाएं और इनके नाम के सामने एक लिख के इनको भारी से भारी मतों से विजयी बना के और पुनः विधान परिषद में भेजने का काम करें। हम सब इन तमाम मुद्दों को लेकर माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का समर्थन करते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर।
जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्या। दिव्यांगजन को त्वरित आधार पर ट्राईसाइकिल व प्रमाण पत्र देने के दिए निर्देश। कहा, दिव्यांगजन को समाज व विकास की मुख्य धारा में लाना है हमारी प्रतिबद्धता। हर समस्या के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण समाधान को सरकार है कटिबद्ध। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रकाश मिश्रा व वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा के घर पहुंचे सीएम योगी। शंकर दयाल ओझा व ओम प्रकाश मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 1000 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं को दिलाई गई मतदाता जागरूकता की शपथ। 18 वर्ष के नए मतदाता को वितरित किया गया वोटर आईडी कार्ड। यूपीए स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने विविध प्रतियोगिताओं का किया आयोजन। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, बचपन से ही शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास करता है एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया समर्थन। एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री संजय दास सिंह ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राप्ती नदी के तट पर शिल्प कलाकारों ने रेत से उकेरा भारत माता, चंद्रशेखर आजाद व अमर सपूतों की प्रतिमा। गोरक्ष प्रांत के प्रांत महामंत्री मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, हम सभी को करना चाहिए अपने राष्ट्र से प्रेम। जब तक नहीं होगा राष्ट्र प्रथम, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन समिति ने निकाली तिरंगा यात्रा। महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, अमर शहीदों को याद कर अपने नौजवानों में उनके आदर्श मूल्यों को स्थापित करने का कर रहे हैं प्रयास। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों के तहत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने कहा, गुरुवार को साइकिल दौड़ व क्रिकेट प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। सभी विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। पठान फिल्म के रिलीज के अवसर पर सिनेमा हॉलों पर फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी संख्या में उमड़ी भीड़। फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों ने कहा, फिल्म में नहीं कहीं दिखाया गया है कोई गलत सीन, जरूर एक बार देखें फिल्म पठान। और जनपद में कुछ दिन पहले हुई बारिश से बुधवार की सुबह सड़कों पर बना रहा कोहरा। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं पर हो सकती है छिटपुट वर्षा, सड़कों पर सुबह के समय रहेगा कोहरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय संस्कार भारती के तत्वावधान में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राप्ती नदी के तट पर रेत से शिल्प कलाकारों ने भारत माता, चंद्रशेखर आजाद व अमर सपूतों की प्रतिमाओं को उकेरा। इस दौरान प्रतिमाओं पर संस्था के सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसके संबंध में गोरक्ष प्रांत के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि देश प्रेम की भावना जगाने के लिए यह आयोजन राप्ती नदी के तट पर किया गया है। कलाकारों ने अथक प्रयास से इन जीवंत प्रतिमाओं को उकेरा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी नगर वासियों को यह संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में वह देश के बहुमुखी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। जब तक राष्ट्र प्रथम नहीं होगा, तब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्कार भारती के प्रांत के सह महामंत्री प्रेमनाथ, अनुप अग्रवाल, सुनील श्रीवास्तव, नितिन जायसवाल, रमेश चंद्र भास्कर, विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय संस्कार भारती के गोरक्ष प्रांत के प्रांत महामंत्री मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, ये तो भैया नीचे का नहीं था।
रुकेगा नहीं। अच्छा ठीक है, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमर शहीदों की जय। भगत सिंह आजाद अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, मैं संस्कार भारती का गोरक्ष प्रांत का मंत्री, सभी भारतवासियों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं गणतंत्र के। हमारा संविधान बने हुए 74 साल पूरे हो चुके हैं, अब हम 75वें में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए बच्चों में, खास तौर से हमारे पीढ़ियां जो हैं आने वाली, वो ये जानें कि हमारा गणतंत्र कितना मजबूत है। इसी में राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम ये है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर रेत शिल्प से पूरी भारत माता का चित्र उकेरा गया है। संदेश यही है कि जो है भाई, सभी को अपने राष्ट्र से प्रेम कितना करना चाहिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने राष्ट्र से, जब तक राष्ट्र प्रथम नहीं होगा तब तक हम शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम की उपादेयता यही है। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रवंदन समिति द्वारा शास्त्री चौराहे से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा शास्त्री चौराहे से होकर कचहरी चौराहा, गोलघर होते हुए वापस शास्त्री चौराहे पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में राष्ट्रवंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि अमर शहीदों के बलिदान के कारण स्वतंत्रता की देवी भारतवर्ष में आई, जिसके कारण हम सब आज स्वतंत्र परिवेश में सांस ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नमन यात्रा के द्वारा हम उन लोगों को याद कर अपने नौजवानों में उनके आदर्श मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजक प्रीति श्रीवास्तव एवं संचालन वसुंधरा पांडे, अध्यक्ष विजय खेमका, मातृशक्ति परिषद अध्यक्षा विनीता पांडे, युवा परिषद अध्यक्ष नवीन पांडे, योगेंद्र द्विवेदी, इंजीनियर सतीश सिंह, माया गुप्ता, रीता शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव, उपासना श्रीवास्तव, रागिनी मनोरमा, स्मृति सुनीता शर्मा, अनंत आकाश, मनोज गौड़, संजय श्रीवास्तव, अमित दत्त, राहुल पांडे, मुकेश दुआ, प्रशांत गुप्ता, राहुल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्र वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, काफी वर्ष के बाद इस वर्ष भी गणतंत्र वर्ष दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रमंडल समिति के तत्वाधान में आज यहां पर भारत माता की आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पश्चात ये तिरंगा शहीदों को नमन करने के लिए यात्रा निकाली गई है। और आज जो है ये हम सब इसके माध्यम से उन शहीदों को नमन करें जिनकी वजह से हम इस आजादी के वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। लोग अपने देश समाज के प्रति जागरूक हों, देश के प्रति उनका प्रेम जिस प्रकार समय है वो प्रेम और बढ़े, और ताकि हमारा देश जो है वो विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो। ये यात्रा यहाँ से और चेता चौराहे तक जाके वापस आएगी।
उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम के तहत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आलिया हैदर ने बताया कि जनपद में उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी से 26 जनवरी तक मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में प्रशासन से निर्देश मिला था कि स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिसको देखते हुए मंगलवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता व कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गुरुवार को 26 जनवरी के अवसर पर साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक क्रिकेट मैच भी होगा तथा सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव प्रभात कुमार पांडे व क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने कहा, श्रद्धा रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को बनाए रखेंगे व निष्पक्ष एवं शांति जाति भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से बचे हुए बिना सताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। निकलो भाई जी, नमस्ते। प्रभात कुमार पांडे, सचिव जिला कबड्डी एसोसिएशन गोरखपुर। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता बालिकाओं का गोरखपुर स्टेडियम में रखा गया है और ये आज कुल 5-6 टीमें आनी हैं। अब मैच शुरू होने जा रहा है और इसमें स्टेट स्तर की लड़कियां खेलती हैं, जो हमारी स्टेट टूर्नामेंट खेलती हैं वो भी लड़कियां इसमें हैं। अच्छा मैच होगा और कबड्डी खेल के विकास के लिए बहुत अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश दिवस जो कि 24 से और 26 तारीख तक मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष में निर्देश मिले हैं कि स्टेडियम में खेलकूद का आयोजन किया जाए। कल हमारा वॉलीबॉल हुआ था और आज कबड्डी बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और कल 26 जनवरी को साइकिल दौड़ होगी और इसके साथ ही साथ एक क्रिकेट मैच भी होगा। तो ये इन खेलों का आयोजन इस उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जो खिलाड़ी विजेता होंगे उन सबको खेल विभाग द्वारा पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
जनपद में पठान फिल्म के रिलीज के अवसर पर भारी संख्या में सिनेमा हॉलों पर दर्शकों की फिल्म देखने के लिए भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि पठान फिल्म के रिलीज के पहले बहुत विरोध हो रहा था, लेकिन जब फिल्म रिलीज करने का समय आया तो एक दिन पहले फिल्म के सभी टिकट बिक चुके थे। विरोध को देखते हुए सभी सिनेमा हॉलों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं जनपद के सभी सिनेमा हॉलों पर भारी संख्या में फिल्म देखने वाले दर्शकों की भीड़ लगी रही, जिसके संबंध में फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों ने बताया कि फिल्म बहुत अच्छा है और फिल्म में कहीं भी कुछ गलत नहीं दिखाया गया है जिसका विरोध किया जाए। सभी लोग एक बार पठान फिल्म को जरूर देखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पठान फिल्म देखने आए दर्शकों ने कहा। पठान मूवी देखी जी? कैसी लगी? बहुत बेहतरीन मूवी है। शहर में इसका विरोध हो रहा है, कौन सा ऐसा दृश्य फिल्माया गया है फिल्म में जिसकी वजह से विरोध कर? कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिसकी वजह से विरोध हो, और उन लोग से भी अपील करते हैं कि वो भी लोग आके देखें। अब बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है अब्दुल कलीम। आप यहाँ फिल्म देखने आए हैं? जी, पठान मूवी। पठान मूवी कैसी है? बहुत अच्छी। कौन सा इसमें दृश्य है फिल्म में, कौन सा दृश्य दर्शाया गया जिसकी वजह से विरोध हो रहा है? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा दृश्य नहीं जिससे विरोध हो, बाकी मैं अपील करूंगा कि लोग आए और देखें, बहुत अच्छी मूवी है। सिराज अली। कौन सी मूवी देखी? पठान। पिक्चर बहुत अच्छी है। अच्छा, इसका विरोध किया जा रहा है फिल्म में, ऐसा कौन सा सीन है जिसकी वजह से विरोध हो रहा है? इसमें ऐसा कोई दृश्य नहीं है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आके एक बार देखना चाहिए, उनको खुद पता चल जाएगा कि इसमें ऐसा विरोध करने वाला कुछ है नहीं। बहुत अच्छे पिक्चर है। निरंजन सिंह हमारा नाम, निरंजन सिंह नाम है। कौन सी मूवी देखना है? पठान मूवी देखना है। कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिल्म को लेकर काफी विरोध हो रहा है, कौन सा ऐसा दृश्य दिखाया गया जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो हमको कुछ नहीं लगता कि कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है फिलहाल में। ठीक है, और हम तो यही कहेंगे कि और आप लोग भी आए इसको अच्छे से अच्छे मूवी देखें, बहुत अच्छी मूवी है। हम सिद्धार्थ नगर से हैं। इमरान खान। कौन सी मूवी देखनी है? पठान। एक नंबर है, बहुत ही बढ़िया मूवी है। ऐसा कुछ है ही नहीं, बट अपना अपना हर किसी का सोच होता है। जो इतना अच्छा मूवी है, आई डोंट नो कि क्या ये निकाल रहे हैं, बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंजॉयिंग, यू नो, इतना इंजॉय, बहुत ही अच्छा मूवी है। प्रियंका। कौन सी फिल्म देखी? पठान। कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है, ऑसम। अच्छा, इस फिल्म को लेकर काफी विरोध हो रहा है, ऐसा कौन सा सीन फिल्म में दिखाया गया जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसी तो अभी तक कोई सीन नहीं है, अच्छी है। अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी मूवी है, आए देखे, अपनी जो रंजिश है उसे छोड़ के अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो अच्छी मूवी है। तो? जी, मेरा निशा मिश्रा। कौन सी मूवी देखने आई? पठान। कैसी लगी? अच्छी मूवी है, अच्छी है, काफी अच्छी मूवी है। इस फिल्म को काफी विरोध हो रहा है, ऐसा कौन सा फिल्म तुमने कौन सा फिल्म बताया गया जिसके वजह से? नहीं नहीं, मूवी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कि इससे बाइकॉट किया जाए, मूवी बहुत अच्छी मूवी है। कहाँ से आई है? मैं रुस्तमपुर से। मेरा नाम अद्विका है। कैसी मूवी देखी है? पठान। कैसी लगी? मूवी अच्छी है, और शाहरुख आप फेवरेट है ऑब्वियसली। इस फिल्म को लेकर काफी विरोध हो रहा है, काफी विरोध हो रहा है, ऐसा कौन सा सीन फिल्म में दिखाया गया जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखना चाहिए, मूवी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है, अच्छा सीन। कौन सी मूवी देखना? पठान। कैसी लगी? बहुत अच्छी।
अच्छा स्कूल के लिए जो विरोध हो रहा है काफी कई जगह पे, तो ऐसा कौन सा स्कूल स्कूल में दिखाया गया जिसकी वजह से विरोध चल रहा है? बस वही भगवान को लेकर सभी लोग विरोध कर रहे हैं, पर जिसको जो करना है करने दो। आपके हिसाब से फिल्म अच्छी है? हमारे हिसाब से तो अच्छी है, पर वही जो लोग कमेंट कर रहे हैं यही सब हो रहा है और क्या। मेरा शुभ नाम अविनाश कुमार चौधरी है, अभी पठान देख के निकल रहा हूँ। बहुत बेहतरीन मूवी थी। ऐसा कुछ है नहीं, बस एक ऐसा क्रिएट किया गया है लोगों के मन में, जो गाने को लेके जो थोड़ा सा सीन है, जो गाने को लेके जो भगवे रंग को जो थोड़ा सीन है, वो ऐसा कुछ है नहीं। बेशरम रंग ऐसा कुछ है नहीं, उसमें तमाम रंग आ रहे हैं, उसमें अगर भगवा रंग आए ऐसा कुछ है नहीं, बस पेट्रोल किया जा रहा है, एक कम को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और किसी के कहे ये बात को आप सच मान लेंगे, एक बार आप आइए मूवी देखिए फिर एनालिसिस करिए। आपको भी हम ने किया है बहुत बड़ी कहना चाहते हैं, भगवा रंग लाया क्यों गया। दिवाकर सिंह पठान अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब सर लोगों के अलग अलग थॉट हैं, तो ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं सकता हूँ। अच्छी है, काफी अच्छी है, बहुत बढ़िया मुझे लगी। मैं ट्रिपल एम से। हमारा नाम सबिया। पठान बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ऐसा गलत है कुछ नहीं, ऐसा ये हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए पूरी ऐसी पिक्चर है। उसमें ये दिखाया ना खान ना पठान, ना कोई हिंदू ना कोई धर्म, हर धर्म को हमारे हिंदुस्तान की जरूरत है। जनपद में कुछ दिन पहले हुई बारिश से बुधवार की सुबह सड़कों पर कोहरा बना रहा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जनपद में बारिश हुई थी, जिससे मौसम में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से सुबह व शाम में फॉग रह रहा है। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में छिटपुट वर्षा हो। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार अभी तक कहीं से भी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन मौसम को देखते हुए अनुमान व्यक्त किया गया है कि कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके अलावा कहीं पर भी नुकसान की सूचना प्राप्त होती है तो राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिकों व जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, बच्चों को स्कूल छोड़ने में और ऑफिस जाने वाली भी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मौसम काफ़ी ख़राब था सुबह में, अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है, तो आदमी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा है। इसमें हम भी अपने स्कूल के लिए निकले हैं, मैं जाना से स्कूल जा रहा हूँ। मौसम में थोड़ी दिक्कतें नहीं है, इसलिए समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। मेरा नाम राहुल है। बहुत दिक्कत हो गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा चौराहे पे, बहुत आज तिलक बहुत ज़्यादा है, आज बस छूट गया मेरा, इसलिए आज नहीं गया। चंद्रकांत त्रिपाठी। सुबह तो मौसम 6 बजे तक एक्चुअली साफ था, 7 बजे के बाद बहुत कोहरा हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह जब बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही है और दिखाई कम दे रहा है, और हम लोग सोकर भी लेट में उठे हैं थोड़ा सा कोहरे की वजह से। संदीप नाम है मेरा। अभी तक तो कल तक मौसम सही था, लेकिन आज फिर बढ़ गया है, तो अब बच्चों को भी सुबह उठने में दिक्कत हो रही है। स्कूल भी बीच में बंद हो गया तो फिर स्टार्ट हो गया, फिर ठंडा भी, बच्चों को जाने में भी दिक्कत हो रही है, अब कॉलेज में भी जाने में भी दिक्कत हो रही है, बस भी अभी फिर से लेट उठ चल रहा है। मौसम का आज थोड़ा सा ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो समस्या तो ज़्यादा ही है, अभी बढ़ी गई है। अरविंद नाम है। हाँ बढ़ा है, थोड़ा सा बड़ा बढ़ा है, आने जाने में थोड़ा सुविधा होगा। किस प्रकार की अपनी गाड़ी गाड़ी में बैठ के चलने से बचाव, धीरे धीरे चलना पड़ेगा आराम से।
दिक्कतें महसूस हो रही हैं, लेकिन उसे गेहूँ के लिए अच्छा है, गेहूँ की फसल के लिए थोड़ा आवश्यक है, पैदावार बढ़ेगा। मास्टर सुशांत सिंह, हमें लग रहा है गोरखपुर में बढ़ती पॉल्यूशन के कारण फिर ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तो एक हफ्ता लगातार धूप था, अचानक से ठंडी बढ़ने का समय नहीं आ रहा, और पेपर फिर भी चले जा रहे हैं, पेपर छुट्टी सरकार दे नहीं रही है। रितेश यादव, हाँ सर, काफी खराब हो गया मौसम, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, एग्जाम देने में दिक्कतें हो रही हैं, और काफी फायदा बिगड़ रहा है सर, बस इतना कहना है। किस तरह की समस्या हो रही है सर? विजिबिलिटी में सर, कार चलाने में सर ठंडी लग रही है सर, और काफी चीजें, बस सर। देखिए, जो ऊपर कैचमेंट एरियाज में जो बारिश हो रही है, जो हमारे अपर एरियाज में जो बारिश हो रही है, उसके कारण या थोड़ा मौसम में थोड़ा बदलाव है, थोड़ी शीतलहर की स्थिति उत्पन्न है, जो कि संभावित है कि जनपद में भी हो सकता है छुटपुट वर्षा हो किन स्थानों पर, तो यह संभावित है कि वर्षा हो सकती है। हालांकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किसी भी प्रकार का फोरकास्ट या नॉकास्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कुछ जगहों पर छुटपुट वर्षा हो सकती है। उसके दृष्टिगत अभी डिपार्टमेंट्स अभी उसमें हैं, अगर कहीं से कोई किसी तरह की कोई नुकसान या किसी चीज़ की कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसके अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्या, दिव्यांगजन को त्वरित आधार पर ट्राईसाइकिल व प्रमाण पत्र देने के दिए निर्देश, कहा दिव्यांगजन को समाज व विकास की मुख्य धारा में लाना है हमारी प्रतिबद्धता, हर समस्या के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण समाधान को सरकार है कटिबद्ध। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रकाश मिश्रा व वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा के घर पहुंचे सीएम योगी, शंकर दयाल ओझा व ओम प्रकाश मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, 1000 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं को दिलाई गई मतदाता जागरूकता की शपथ, 18 वर्ष के नए मतदाता को वितरित किया गया वोटर आईडी कार्ड। यूपीए स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने विविध प्रतियोगिताओं का किया आयोजन, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा बचपन से ही शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास करता है एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया समर्थन, एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री संजय राज सिंह ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राप्ती नदी के तट पर शिल्प कलाकारों ने रेत से उकेरा भारत माता, चंद्रशेखर आजाद व अमर सपूतों की प्रतिमा, गोरक्ष प्रांत के प्रांत महामंत्री मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा हम सभी को करना चाहिए अपने राष्ट्र से प्रेम, जब तक नहीं होगा राष्ट्र प्रथम तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन समिति ने निकाली तिरंगा यात्रा, महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा अमर शहीदों को याद कर अपने नौजवानों में उनके आदर्श मूल्यों को स्थापित करने का कर रहे हैं प्रयास। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों के तहत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने कहा गुरुवार को साइकिल दौड़ व क्रिकेट प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन, सभी विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। पठान फिल्म के रिलीज के अवसर पर सिनेमा हॉलों पर फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी संख्या में उमड़ी भीड़, फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों ने कहा फिल्म में नहीं कहीं दिखाया गया है कोई गलत सीन, जरूर एक बार देखें फिल्म पठान। और जनपद में कुछ दिन पहले हुई बारिश से बुधवार की सुबह सड़कों पर बना रहा कोहरा, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं पर हो सकती है छिटपुट वर्षा, सड़कों पर सुबह के समय रहेगा कोहरा। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।